yeah, yeah. What's up guys, welcome to another video and in this video I will be showing you the mess of our college. Pichle ek do videos mein do teen logon ne comment kiya that they want to see the mess, so and I also thought that this would be a good idea because काफ़ी लोग interested होंगे, in fact जो और आने वाले लोग होंगे वो भी. So let me show you. So there is the mess, that building right there. So without further ado, let's go. तो ये देखो आज क्या मिला, उत्तपम सांबर बनाना चटनी और चाय. ऑल दो कॉर्नफ्लेक्स भी थे बट मैंने वो नहीं लिए, और चाय की जगह कॉफ़ी और कॉर्नविटा का भी ऑप्शन था. ओके, तो ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है एंड अब द मेन क्वेश्चन इज कि खाना कैसा था. नाउ इट डिपेंड्स, अगर आप इस खाने को घर के खाने और किसी नॉर्मल ठीक ठाक रेस्टोरेंट खाने से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगेगा. सिंस ये कॉलेज की मेज़ है तो खाना ठीक ही होता है, इट्स नॉट बैड, इट्स ऑल्सो नॉट वेरी गुड. बट समटाइम्स कभी कभी हफ्तों में कुछ दिन ऐसा होता है कि खाना कभी कभी अच्छा बना देते हैं. लाइक लास्ट वीक इन्होंने पनीर की सब्ज़ी और चिकन करी के साथ तंदूरी रोटी सर्व कर दी थी और उस दिन मेरे को बहुत अच्छा लगा था खाना. और जैसे अभी 9:40 हो चुके हैं एंड 10 o'clock मेरी क्लास है, सो आई प्रॉब्ली नीड टू हेड टू माई क्लास. और हाँ, टाइमिंग्स मैथ्स की सुबह ब्रेकफास्ट है 7:30 AM to 9:30 AM, लंच है 12:30 PM to 2:30 एंड डिनर इज़ फ्रॉम 7:30 PM to 9:30 PM. यूजुअली होता क्या है, हमने मूवीज़ और शोज़ में देखा है कि मैथ का खाना कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है, तो जब नए नए कॉलेज में आते हैं तो एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है. बट खाना इज़ एक्चुअली नॉट दैट बैड, काफ़ी एवरेज होता है. तो स्टार्टिंग एक हफ्ते तो लगता है कि वाह क्या खाना है, फिर एक्सपेक्टेशन इतनी लो होती है. बट एक महीने बाद या फिर 2-3 weeks बाद बंदा सेटल हो जाता है कि हाँ ठीक ही खाना है, इट्स नॉट too good. Or so it's 1:23 already and bheed ko dekho, ye lunch time hai aur itni bheed usually kabhi nahi hoti. So hamari mess ka system thoda alag hai, there are two vendors which are independent of each other aur aapki marzi hai wo kis vendor ke paas jana hai. So you have to purchase coupons, either aap pehle khareed sakte ho ya usi time khareed sakte ho. To almost har bachche ki ek preference set ho chuki hai. So I just had my lunch. Lunch में राजमा चावल थे जो honestly were not bad at all, काफ़ी अच्छे थे. एक सब्जी भी थी बट मैंने सब्जी नहीं ली, मैंने सिर्फ राजमा चावल और एक रोटी खाई. एंड हमारे कॉलेज में थोड़ा सा सिस्टम अलग है, ऑल दो इट टेम्परेरी है, बट अभी दो वेंडर्स हैं और दोनों वेंडर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. एवरी स्टूडेंट हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू बाय कूपन्स फ्रॉम विच एवर वेंडर ही वॉन्ट्स. और अब तक ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स की एक प्रेफरेंस है कि उसे कौन से वेंडर के पास जाना है. तो अब भी हमसे अलग से मैस की फ़ी नहीं ली, वो आपको हर रोज़ ही पे करना होता है. फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट के 30 rupees है, लंच के 50, डिनर के 60 एंड स्नैक्स के 20. सो नाउ इट्स ऑलमोस्ट 4:30 एंड अभी स्नैक्स का टाइम हो गया है. ऑल दो मैं स्नैक्स नहीं लेता, बहुत कम बच्चे स्नैक्स लेते हैं, बट फॉर द कम्प्लीटनेस ऑफ दिस वीडियो आई विल गो इनटू द मैस एंड शो यू द स्नैक्स. I was not feeling hungry today, तो मैंने स्नैक्स नहीं लिए, बट आज स्नैक्स में ब्रेड पकौड़ा था, चटनी, सॉस और कॉफ़ी. एंड ये 20 rupees में होता है तो काफ़ी इकोनॉमिकल है. सो या दैट कवर्स द स्नैक्स, लेट्स मूव ऑन टू द डिनर. आज डिनर में है रोटी, चावल, कस्टर्ड, दाल और आलू की सब्जी. अभी खा के बताता हूँ मुझे कैसा लगा. ओके, सो आई जस्ट हैड माई डिनर और डिनर ठीक था, इट वॉज नॉट बैड एट ऑल. सो द मेजर टेक अवेज फ्रॉम दिस वीडियो आर, फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कॉलेज की मैस से, यहाँ पर आगे घर के खाने की वैल्यू पता चलती है. एंड ऑल्सो सेकेंड थिंग कि इतना भी बुरा नहीं होता मैस का खाना जितना यूजुअली हमें मूवीज़ और टीवी सीरियल दिखाया जाता है, इतना ही बुरा नहीं होता. एंड द थर्ड पॉइंट, इफ़ यू डोंट फील लाइक ईटिंग इन द मेस, यू कैन ऑब्वियसली गो टू एनी अदर प्लेस इन द कैंपस, जैसे कि कैफेटेरिया या फिर और सारी जगह, एंड यू कैन हैव योर फूड देयर. सो या लेट्स रैप अप दिस वीडियो, और कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दो.
एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट, बाय बाय।